ये है बॉलीवुड के सबसे क्रेजी डायरेक्टर। इन्होंने केवल दो ही फिल्म बनाई और इस डायरेक्टर का नाम है आशी। ऐसे ही उन्हें एक पागल और जिद्दी निर्देशक नहीं कहा जाता। उन्होंने तानसेन का संगीत बजाया और पृथ्वीराज कपूर को सोने के जूते पहनाए। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए लगभग 72 गाने लिखे और एक फिल्म के लिए 12 साल तक इंतजार किया। उन्होंने सिर्फ दो फिल्में बनाकर इतिहास रचा दिया। ना तो पढ़े लिखे थे और न ही उन्होंने कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वह उस समय के सभी महान लोगों को अपनी जेब में रखते थे। वह अपना नाम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से मुंबई आए थे। उन्हें अपने ऊपर इतना भरोसा था कि सामने वाला डर जाता था। उन्होंने 1945 में अपनी पहली फिल्म फूल बनाई और उसके बाद भारत की सबसे बड़ी फिल्म मुगले आजम बनाने की तैयारी चालू की। इस फिल्म को बनाने में लगभग 12 साल लग गए और इसमें उन्हें 2.5 करोड़ का खर्च आया। कहा जाता है कि उस समय एक फिल्म 2 से 3 लाख में बन जाती थी। अब आपको पता चल चुका होगा कि क्यों उनको जिद्दी और पागल डायरेक्टर कहा जाता है। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको उनकी ये दोनों फिल्में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई।